हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में। तो अभी और गणेश जी का जो मंदिर है वो द्वारका में है। तो अब हम लोग बस घर से निकल रहे हैं अपने मंदिर में जाने के लिए। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं और अब मंदिर बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। फिर दिखाते हैं आपको गणेश जी का मंदिर, बहुत अच्छा बना हुआ है। और भगवान जी की जो मूर्ति है वो भी बहुत बड़ी और बहुत शानदार बनी हुई है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच कर। अरे भाई तू भी बना ले अपना व्लॉग, मैं भी तो अपना व्लॉग बना रहा हूँ ना। 475 के करीब पड़ा है एक साइड, लॉगिंग कर लिया। तो भाई रास्ते में जाते हुए इस्कॉन टेंपल भी है यहाँ पे। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। मैं आपको जरा मंदिर दिखा देता हूँ एक बार बाहर से, फिर उसके बाद अंदर से दिखाऊंगा आपको मंदिर को मैं। तो भाई ये देखिए गणेश जी का जो मंदिर है, मेरा मंदिर गणपति बापा मोरया। तो भाई गणेश जी के दर्शन कर लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तीन सिक्के रह गए इसमें। चलो भाई अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए, या देखते हैं कहीं और जाएंगे। तो भाई जो ये गणेश जी का मंदिर था ना, ये है द्वारका सेक्टर 12 के पास। द्वारका सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पर है ये। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं कहाँ पर बढ़िया सा मिला है खाने को। तो भाई अब हम मंदिर से निकल के सीधा द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट में आ गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ खाने को बढ़िया सा मिलता है तो खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे हम। देखते हैं यहाँ पर क्या है खाने को बढ़िया सा। आपको दिखाता हूँ द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट, नॉर्मल है जैसे होती है मार्केट है ना, वैसी है। तो भाई भाभी को लिट्टी चोखा पसंद है, जब भी इस मार्केट में आते हैं ना तो भाभी लिट्टी चोखा ज़रूर खाती है। ये देखिए भाभी आपको लिट्टी चोखा इतना क्यों पसंद है? बस पसंद है ऐसे इनको। तो भाई अब लिट्टी चोखा लेते हैं भाभी के लिए। टप्पू टप्पू सुन, लिट्टी चोखा खाएगा तू? खाएगा क्या? अरे बता तो दे। नहीं खाएगा भाई टप्पू भी लिट्टी चोखा खाएगा, थोड़ा सा ले लूँगा मैं भी इसमें से।
एक प्लेट। अरे नहीं ऐसे नहीं, गिर जाएगा। ये लिट्टी चोखा है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके कैसा होता है। मैं तो खाली पर्स ले दिखा, मैंने इसको पर्स भी दिखा दिया अपना, तू बोली घर कैसे जाएगी फिर। तो बेटा तो भाई टेस्ट तो बढ़िया इसका। बढ़िया भाई, जरूर खाना आप लोग भी लिट्टी चोखा। तो भाई लिट्टी चोखा खा लिया है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बढ़िया से खाना है। तो भाई ये एक रेस्टोरेंट है, हॉट एंड टेस्टी। यहाँ से भाई फ्राइड राइस ले रहे हैं, तो यहाँ से फ्राइड राइस लेके घर जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे आराम से अपने फ्राइड राइस। तो भाई अब हम लोगों ने अपने ये फ्राइड राइस ले लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो भाई अब हम लोग घर पे आ चुके हैं, अब खाना खाएंगे और आपको बताता हूँ जो फ्राइड राइस मैं लेके आया हूँ उनका टेस्ट कैसा है। अभी थोड़ी देर में इसको डालते हैं अपने प्लेट में और फिर खाना खाते हैं, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो भाई ये है हक्का पनीर राइस, तो अब इसको खा के देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई बहुत बढ़िया बना रखे हैं, मजा आ गया खा के इनको। तो भाई खाना वाना खा के अब सोने जा रहा हूँ मैं। तो भाई अब इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कमेंट, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय।